अज जियां साढ़े सुदर्शन होरें आखिया कि अज बड़ा ही मुबारकबाद दा दिन है कि असें इस छन्नी कोला लेइया जिहड़ा दनोगी रोड जा करदा यह रोड अगे जाइए मंगलूर की मिलता मंगलूर को अगे जाइए एक किस्म का सर्कुलर रोड है किलो एक पास साडा डींगाम का एरिया दूसरा साडा दन्नी बागता की मिलता तो इस रोड की बड़ी लंबी डिमांड ही एक तकरीबन 23,28,000 का इहदा बजट है तो अस मोदी सरकार का बीजेपी सरकार का बहुत शुक्रगुजार करने कि इस केड़े रोड की कनैक्टिविटी जी हुई है ये कन्नै बड़े सारे बच्चे जो ट्यूशन पढ़ना आते हैं स्कूल जाते हैं कॉलेज जाते हैं या बड़े सारे मरीज ऐसे होंगे जिन्हें कि गड्डियों च आने की दिक्कत ही अज इस रोड की उधर अगर कनैक्टिविटी बधने कन्नै दो फैसिलिटी खास करिए मेडिकल की फैसिलिटी इसका लोगों का आना जाना और बच्चों का स्कूल जाना कॉलेज जाना ट्यूशन जाना या इन्हें भी आम जनता के आने जाने वास्ते बड़ी सहूलियत पैदा हुई है इस करी अस सरकार का बीजेपी पार्टी का सारे संगठन का सारे का बड़ा धन्यवाद करने भारत माता की जय। पहले आज इस बहुत ही खुशी के मौके पर मैं अपनी तरफ से मीडिया के बंधु का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस प्रकार अभी हमारी यहाँ की DDC मैडम रिमी चाणक जी उन्होंने बताया कि आज बहुत ही खुशी का माहौल यहाँ पर है, बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि आज इस इलाके में जो टंडियाड़ी गांव है वहाँ पर ब्लैक क्रॉपिंग का जो कार्य है वो शुरू हुआ है। जिस प्रकार मुझे DDC साहिबा ने बताया कि 24 लाख का एक जो 24 लाख की कीमत से ये बढ़ रहा है ये ब्लैक क्रॉपिंग का ये रोड है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही कहना चाहूँगा कि हमारा एक एक कार्यकर्ता चाहे वो संगठन का कार्यकर्ता है चाहे वो हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है हर कोई अपनी अपनी पूरी ड्यूटी जिस प्रकार से समाज के लिए देनी चाहिए इस प्रकार से पूरा मैं कहूँगा एक समर्पण भाव के रूप से काम कर रहा है। तो मैं अपनी तरफ से पार्टी की तरफ से आप सबको मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग हमारे मेरी आवाज़ सुन रहे हैं मैं सबको एक कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगातार लोगों के बीच में है चाहे चुनाव हो चाहे ना हो लोगों की बेहतरी के लिए समाज की बेहतरी के लिए जिस प्रकार हमको पार्टी में सिखाया जाता है कि हम लोगों को हमेशा लोगों के बीच में रहना हमारा एक एक कार्यकर्ता लोगों के बीच में है। और आज इस बहुत ही खुशी के मौके पर इस गाँव में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल के अध्यक्ष सुभाष जी हमारी DDC की जो बहुत ही मैं कहूँगा एक होनहार हमारी यहाँ की मेंबर है जिन्होंने लगातार प्रयास किया है इस इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनको और बढ़िया तरीके से यहाँ वहाँ पर डेवलपमेंट हो लगातार प्रयास करती रहती हैं। मैं इनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा क्योंकि इनके प्रयासों से ही आज ये दिन संभव हुआ है क्योंकि लगातार मुझे पता है कि ये अरविंद रैना साहब के पास या डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को लगातार तंग करती हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए आपकी बेहतरी के लिए ये बहुत ही बढ़िया प्रयास करिए। मेरे साथ मेरे ज़िला के उपाध्यक्ष मेरे करण अत्री जी और हमारे दूसरे उपाध्यक्ष हमारे खजूरिया साहब और भारतीय जनता पार्टी के ज़िला के महासचिव राजेश मेहता साहब और धर्मवीर जी हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मैं पहले भी कहता हूँ कि लगातार लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहा है और जिस प्रकार आदरणीय मोदी जी की अगुवाई में इस देश के अंदर लगातार डेवलपमेंट जो है वो हो रही है तो मैं आने वाले समय में भी हम लोग पूरी मेहनत और लगन के साथ समाज की बेहतरी के लिए काम करेंगे। आज के इस बहुत ही बड़े दिन पर मैं अपनी तरफ से अपनी पूरी टीम को और यहाँ पर उपस्थित जितने भी गांववासी जितने भी साथी यहाँ पर पहुँचे हैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा और आने वाले समय में हमारा एक एक कार्यकर्ता आपके बीच में ऐसे ही डेवलपमेंट के जो कार्य है वो करवाते रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद जय भारत।